ब्रह्मा कौन है? संसार के रचयिता। विष्णु? संसार के संचालन करता। और महादेव? संसार के संहार करता। जो विनाश करके संसार को संतुलित रखते हैं। महादेव का जन्म कब हुआ? वो अजन्म है कुमारी, उनका ना आदि है और ना अंत है। वो विद्याओं के तीर्थ हैं, अविनाशी हैं, विश्वनाथ हैं। कालोपरि पंच महाभूतों के नाथ, भूतनाथ हैं वो। कहाँ रहते हैं? कैलाशपति, किंतु सारा संसार उनका निवास स्थान। सर्वव्यापी हैं वो और सभी कारणों के प्रमुख कारण। महायोगी, वैरागी। अर्थात उनका परिवार नहीं है? क्यों नहीं? परिवार है तो फिर वो वैरागी कैसे? क्योंकि वो परमानंद की स्थिति में रहते हैं सदा। और उनकी इसी परमानंद की अनुभूति समस्त संसार के लिए भी आवश्यक थी। और इस परमानंद को संसार में प्रसारित करने के लिए शिव और शक्ति का मिलन आवश्यक था। सती का शक्ति पीठ से क्या संबंध? शक्ति पीठ का स्पर्श करके क्यों मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई सती को पुकार रहा? सती का शक्ति पीठ से कोई संबंध नहीं, अपितु शक्ति पीठ ही सती है। तो उस दिन वो असुर शक्ति पीठ के पास उन्हें देखकर भागे थे? इसलिए मुझे अनुभूति हुई क्योंकि वो महादेव के ही एक रूप है। यदि शिव सती के मिलन का उद्देश्य परम आनंद प्रसारित करना था तो सती के मृत्यु के पश्चात वो उद्देश्य पूर्ण हुआ? आदिशक्ति का पुनर्जन्म हुआ देवी पार्वती के रूप में। पार्वती, ये नाम मुझे पहचाना सा लगता है। देवी पार्वती की ये यात्रा अत्यंत कठिन थी क्योंकि उन्हें महादेव को साधना से बाहर निकालना था। हम आपके सम्मुख हैं स्वामी, आपकी अर्धांगिनी। अब तो नेत्र खोलिए महादेव, अब हम नवीन मर्यादा के साथ अपने पत्नी धर्म का पालन करने हेतु आपको पुनः समर्पित है। नेत्र खोलिए ना स्वामी। जब महादेव ने नेत्र नहीं खोले तो देवी पार्वती वर्षों तक महादेव की साधना में लीन हो गए। तो क्या महादेव साधना से बाहर निकले? हाँ कुमारी, पार्वती स्वामी, मैंने तुमको प्रतीक्षारत रखते हुए
स्वयं को तुम्हारे मिलन से वंचित रखा, किंतु तुम्हारी तपस्या पूर्ण होने के पश्चात इसी क्षण में तुम्हें स्वीकार करता हूं। और फिर महादेव और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। और उनका परिवार कैलाश पर, उनके महान भक्त नंदी, गण प्रेत और परिवार सहित दो पुत्र कार्तिकेय और गणेश, समय के इस अनंत घटना चक्र में शिव और शक्ति सदैव साथ रहेंगे, उन्हें साथ आना ही होगा। हमें कुमारी के गुरुजी को बाणासुर से हुई वार्ता के बारे में बताना चाहिए। यदि उसने चेतावनी दी है तो हमारे पास कुमारी का विवाह कराने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं। और कोई प्रश्न? वो दिखते कैसे? निराकार है वो, निर्गुण है वो, गंगाधर है वो, चंद्रशेखर भी वही है। शंकर शिव भोले उमापति महादेव, शंकर शिव भोले उमापति महादेव, पालनहार परमेश्वर त्रिलोचन है वो, नटराज भी वही है, कर्पूर के समान गौर वर्ण है उनका, नीलकंठ है वो, सर्प उनका कंठहार। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते, रुद्राक्ष उनके आभूषण। शंकर शिव भोले उमापति महादेव, हाथ में त्रिशूल शरीर पर भस्म, नेत्रों में परमानंद और मुख पर भोलापन। सुंदरता की परिभाषा है वो और आकर्षण की पराकाष्ठा। जीव है वो, ब्रह्म है वो, संपूर्ण जगत निरंजन है वो, विकराल काल है वो, ही एक लघु पल है, वो ही अमर है, और प्रत्येक मृत्यु में वो ही मरते भी हैं। महापर्वत है वो और सूक्ष्म तृण भी वही है। पृथ्वी वो है, आकाश वो है, बंधन है वो और मुक्ति भी वही है। काल कूट विश और अमृत भी वही है। ज्ञान भी है और अज्ञान भी, प्रकाश अंधकार है, दुविधा है वो और निर्णय भी वही है। शांति भी वो है और समस्त अशांति भी वो है।
वही ब्रह्मा है और वही नारायण, वही है देवों के देव महादेव। बाणासुर ने चेतावनी दी है कि एक दिन शेष है, या तो कुमारी का विवाह कराया जाए या हम सब अपने मृत्यु के लिए तैयार हो जाएं। तो बाणासुर तक मेरा संदेश भी भिजवा दीजिए कि मैं विवाह के लिए तैयार हूं। किंतु केवल तभी जब मेरा विवाह महादेव से हो। से तुम्हारा विवाह कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? एक और बाणासुर ने चेतावनी दी है कि मैं कल तक विवाह कर लूं। आप दोनों भी चाहते हैं कि मेरा विवाह हो, और मैंने अपने वर का चयन कर लिया है। महादेव से विवाह करके सभी बातों के हल निकल जाएंगे, तो मैं महादेव से विवाह क्यों नहीं कर सकती? पुत्री, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? हम मनुष्य हैं, साधारण मनुष्य, और वो महादेव देवों के भी देव। किसी मनुष्य का किसी देवता के साथ विवाह कैसे संभव है? जैसे देवी पार्वती का संभव हुआ था, उन्होंने अपनी तपस्या से अपने आप को महादेव से विवाह योग्य बनाया। मैं भी महादेव की आराधना करूंगी। मुझे विश्वास है कि मेरे आह्वान पर महादेव मुझे अपने दर्शन अवश्य देंगे, और तब मैं उनसे विवाह के लिए कहूंगी। पुत्री, जब महादेव का विवाह पार्वती से हो चुका है, तो तुम ये हट क्यों कर रही हो? हट नहीं है, एक प्रयास है स्वयं को पूर्ण करने का। गुरुजी, जब मैंने सबसे ये प्रश्न पूछा था कि विवाह क्या होता है, तब आप ही ने मुझसे कहा था कि विवाह पूर्णता का माध्यम है। और आपसे महादेव का विवरण सुनकर मुझे विश्वास हो गया कि महादेव से ही मेरी पूर्णता है, मेरा आदि और मेरा अंत उस अनादि अनंत का सानिध्य है।